नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। झारखंड में ईडी अपनी कार्रवाई का दायरा लगातार बढ़ाती जा रही है, लेकिन ईडी की कार्रवाई जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे सरकार में बैठे लोग, वो चाहे जेएमएम को हो या फिर कांग्रेस के नेता हो, लगातार आरोप ईडी पर भी लगा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी यानी विपक्ष पर भी आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अब सरकार ने अपना मन बना लिया है कि दरअसल ईडी की कार्रवाई के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी, और इस रुख के बाद सवाल यह उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद झारखंड में ईडी की कार्रवाई में कोई फर्क पड़ेगा, और जिस तरीके से सियासी बयानबाजी जारी है क्या इन बयानबाजियों पर ब्रेक लगेगा क्या, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। झारखंड में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन इस बीच झारखंड सरकार अब ईडी की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक बरहरवा कांड में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाने की पहल की है। इसके साथ ही साथ ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। ईडी की गिरफ्त में आए कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल ने भी अपनी जमानत की याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली है, जिसकी सुनवाई 14 दिसंबर को होनी है। दूसरी तरफ आईएएस पूजा सिंघल को एक बार फिर इलाज के लिए जेल से रिम्स में ले जाया गया है। अब ईडी की कार्रवाई के साथ ही राज्य सरकार की तरफ से कुछ मामलों को लेकर चुनौती देने की बात कही जा रही है। ऐसे में विपक्षी पार्टी बीजेपी ने एक बार फिर से राज्य सरकार पर निशाना साधा है। ईडी ने उन्हें पुलिस अधिकारियों को बुलाकर पूछताछ कर यह जानने की कोशिश की कि आखिर 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट कैसे दे दी गई, और दो प्रमुख लोगों को, पंकज मिश्रा को और राज्य के जो मंत्री हैं आलमगीर आलम, उनको उनसे मुक्त कैसे कर दिया गया। अब राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील लगाई है कि इस मामले पर ईडी का कोई अधिकार नहीं है कि राज्य के अधिकारियों को बुलाकर पूछताछ करे। आखिर राज्य सरकार क्यों और किन कारणों से वैसे अधिकारियों को बचाना चाहती है जो न्याय के साथ खड़े नहीं है। उधर सरकार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने एक बार फिर से कहा है कि ईडी की कार्रवाई पक्षपात तरीके से की जा रही है, और ईडी बीजेपी का सहयोग भी कर रही है। अधिकारी जो अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में क्लीन चिट हुए, उन अधिकारियों को क्लीन चिट देने वाले आज बाहर घूम रहे हैं, और उसका भी आरोप महागठबंधन सरकार पे लग रही है। तो हमें यह लगता है कि ईडी का जो कार्रवाई है यह पूरी तरह पक्षपातपूर्ण है। ईडी दबाव में आकर के इस राज्य में काम कर रही है ऑपरेशन लोटस के तौर पे। तो कहीं ना कहीं हमें न्यायपालिका पर और न्याय पर दोनों पे पूर्ण रूपेण भरोसा है, और हमें लगता है कि हमें न्याय मिलेगा। अब एक तरफ ईडी की कार्रवाई जारी है तो दूसरी तरफ ईडी की कार्रवाई के खिलाफ सोरेन सरकार सुप्रीम कोर्ट के रुख की तैयारी में है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार के सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद राज्य में चल रही ईडी की कार्रवाई में कोई फर्क पड़ेगा क्या, या फिर राजनीतिक दलों की तरफ से चल रहे सियासी वार पलटवार पर ब्रेक लगेगा क्या। रांची से इंडिया वॉइस के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो ईडी जिन अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुला रही है अब उस पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। सरकार कह रही है कि दरअसल ये राज्य का मामला है, किससे पूछताछ और किसे क्लीन चिट दी जा रही है, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। ये कुछ दवाइयां, दो सौ, एक सौ पचास आपके हुए बाबा जी, 1350 रुपये।
इस वक्त मेरे पास इतने ही है, बाकी खाते में लिख लो। बाबा जी, बाबा जी, आज फिर कितने लिखूं खाते में? अब कोई भी पैसा खाते में लिखने की जरूरत नहीं। लॉटरी लग गई बाबा जी? हाँ, बस यूं समझ लो कि लॉटरी लग गई। जब से पंजाब की भगवंत मान सरकार ने महंगे बिजली के बिल जीरो करके हमारे कंधों से बोझ हटाया है ना, तब से हमें उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ती। सही है, अब तो समझो कि पंजाब के घर घर की ना लॉटरी ही लग गई है। भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार में पंजाब के लगभग 86% परिवारों का बिजली का बिल जीरो आया है। अरुणाचल प्रदेश के तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। क्या आप झारखंड में एडी और सरकार आमने सामने नजर आने लगी है? हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। अनंत अमित जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अनंत अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुशांतो मुखर्जी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मासस के नेता हैं। सुशांतो जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मुखर्जी जी, सबसे पहला सवाल आप ही से ले सोच रहे हैं कि अब भी ये स्थिति बनती नजर आ रही है झारखंड में कि एडी और सरकार आमने सामने नजर आ रही है। सरकार सुप्रीम कोर्ट का रोक कर रही है। क्या सुप्रीम कोर्ट के रोक के बाद ये लगता है कि ईडी की कार्यवाही में कोई फर्क पड़ेगा? और सरकार, जिस तरीके से सरकार में बैठे लोग लगातार ये बात का आरोप लगा रहे हैं कि ईडी पक्षपात तरीके से कार्यवाही कर रही है, क्या उसमें भी फर्क देखने को मिल सकता है क्या? सबसे बड़ी चीज है कि न्यायालय जाने की अधिकार सबको है और न्यायालय जा रहे, इस पर लगता है टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अगर उसे कर देंगे तो ये जांच होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय अगर करेंगे जांच की तो जांच होगी, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगी। तो ये तो अधिक जिस पे अधिकार है, जिसके अधिकार है उस अधिकार को वो जाने की उनकी खुद की अधिकार है, सरकार है तो जा सकते हैं। जाने में क्या दिक्कत? नहीं, जाने में दिक्कत नहीं, हम समझना आपसे इस बात को चाहते हैं दरअसल कि जिस तरीके से जो बात कही जा रही थी, अभी हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी सुन रहे थे, वो साफ तौर पर ये आरोप लगा रहे थे कि जिस तरीके से सरकार ने कहा है कि दरअसल ये राज्य का मामला है और राज्य के जो कर्मचारी हैं वो चाहे पुलिस के हों या किसे क्लीन चिट देते हैं किसे नहीं देते हैं ये उनका मामला है, तो ईडी राज्य के अधिकारियों को बुला करके पूछताछ नहीं कर सकती है, ऐसा कुछ है क्या, ये समझना चाह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी ये गलत है। पूछताछ निश्चित कर सकते हैं, अगर पूछना ईडी, अगर जिस केस के मामले पर वो डीएसपी थे जिन्होंने क्लीन चिट दिया, अगर किसी, मैंने आपको ईडी को लग रही कि उससे पूछताछ करनी है तो हमें लगता है कि उससे पूछताछ कर सकते हैं, इसमें तो कोई रोक नहीं सकते, लेकिन उनके कोर्ट जाने की अधिकार है, कोर्ट जाने के अधिकार है, जाने का तो सभी का अधिकार है। तौर पर जाने के बाद कुछ टाइम पीरियड होंगे, क्या होंगे उसका न्यायालय बात है, आगे जांच होगी, अगर है तो निश्चित जाएंगे। ठीक है अनंत अमित जी, फिर भाई जब अदालत सब कोई रुक कर सकता है, हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, सरकार भी कर सकती है, तो इसमें हो हल्ला क्यों भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में शुरू कर दिया है? देखिए पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी हो हल्ला नहीं करी, ठीक है, न्यायालय जाने का सभी को अधिकार है, न्यायालय जाना चाहिए, न्यायालय जाए। हम ये जानना चाहते हैं झारखंड सरकार से कि जो ये दलाल अमित अग्रवाल जो पकड़ा गया है, जो गिरफ्तार है, उठवा जेल गए, उसके लिए जो न्यायालय और ईडी और सरकार और ईडी खेल रहे हैं, बड़े भाई आपके इंडिया वॉइस पे बैठे हुए और ये सच को सच झूठ को झूठ कहते हैं, जैसे इन्होंने अभी कहा कि ठीक है न्यायालय जाने का, लेकिन पूछताछ से जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात, लेकिन हम दादा के माध्यम से, इंडिया वॉइस के माध्यम से ये राज्य की जनता ये जानना चाहती है, ये जो ईडी जो कार्रवाई कर रही है, क्या ये ईडी गलत कार्रवाई कर रही है? क्या ईडी को किसी भ्रष्टाचारियों को फंसाना नहीं चाहिए? क्या किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ देना चाहिए? जो जांच चल रही है उस जांच में सहयोग करना क्या अपराध है क्या?
अगर ईडी को यह लग रहा है, कोई भी एजेंसी को यह लग रहा है कि किसी चीज में भ्रष्टाचार हुआ है, कुछ गलत लोग मिलकर सरकार को लूटने का काम कर रहे हैं, तो अगर उस जांच प्रक्रिया में अगर कोई पदाधिकारी को बुलाया जाता है और वो पदाधिकारी अगर नहीं जा रहा है, यानी कि उसकी संलिप्तता जाहिर होती है, वो किसके कहने से नहीं जा रहा है? क्या पंकज मिश्रा जैसे दलाल के कहने से नहीं जा रहा है? क्या अमित अग्रवाल के प्रभाव में नहीं जा रहा है? ये राज्य की जनता जानना चाहती है। और जहां तक जो ईडी की कार्रवाई है, मैं दावे के साथ इंडिया वॉइस के माध्यम से कह सकता हूँ पांडे जी, कि पूरे राज्य की जनता, इवन कि हमारे बड़े भाई सुब्रत जी भी इस बात से सहमत है कि जो जांच चल रही है वो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, भ्रष्टाचारियों का राज्य से सफाया होना चाहिए। बिल्कुल, राज्य की जनता भी चाहती है, सारे लोग चाहते हैं, हम लोग इसीलिए जांच ही चल रही है। देखिए मुखर्जी जी, बड़ा सही सवाल अमित जी ने उठाया है कि डीएसपी को कल बुलाया गया, डीएसपी गए नहीं। उसके पहले जब बुलाया गया था दूसरे नोटिस में, खैर वो गए थे और उन्होंने तमाम सारी जानकारी भी दी ईडी को, जो खबर सामने आई कि उसमें उन्होंने अपनी गलती भी स्वीकार की है, तमाम सारी बातें कही हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी करते हुए, यदि उसने एक बार गलती स्वीकार कर ली, दोबारा भी अगर ईडी को बुलाए, कोई एजेंसी हो उसको बुलाती है पूछताछ के लिए, तो वो जाएगा। और अगर नहीं जाता है तो संशय खड़ा होना लाजमी है कि आखिर सह किसका मिल रहा है, कौन रोक रहा है कि आप मत जाइए बाकी हम सब देख लेंगे, तमाम सारी चीजें ऐसी सामने आती हैं, तो सवाल तो खड़ा होगा। सबसे बड़ी चीज है कि ये गलती जो स्वीकारे, ये किसने कहा? नहीं, खबरें तो जो निकाल करके सामने आई है, यही आई है। हाँ, वो सूत्र है, सूत्र हाँ। जो पूरे देश में चल रहे हैं, सूत्र के माध्यम से वो पता चलता है। मतलब एक तैयारी करने पड़ते कि इसको अगर सूत्र में डाल दें तो हमें लगता है कि इधर मजबूती मिलेगी, तो सूत्र डाल दो, कुछ फंसेंगे भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होंगे, और उसको के मामला को आगे बढ़ाते रहो, डेली न्यूज में चलाओ। ये बात किसी ने, हमें नहीं लगता है कि किसी ईडी के अधिकारी ने ये बयान आए हैं, हमारे सूत्र के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से ये सब आ सकते हैं, उस पर हम भरोसा ना करें। उनकी जाने के अधिकार है, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय वो गए हैं, आगे निश्चित इसमें निर्णय आएगी, और उस निर्णय के आधार पर हमें लगता है कि अगर जाने की डीएसपी ने गलत किया। चलिए ठीक है, अगर एक सेकंड के लिए हम आपकी बात मान भी लेते हैं, सूत्रों के हवाले से ठीक है आप उन खबरों को नहीं मान रहे हैं, लेकिन डीएसपी को अगर बुलाया गया पूछताछ के लिए, तो उसे जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था ईडी के सामने? निश्चित, अगर उसके लगता है कि हमें नहीं जाना चाहिए, इसके लिए हमें ऊपर की न्यायालय में जानी चाहिए, तो वो जाए, वो जा सकते हैं, अधिकार है। सिर्फ डीएसपी को नहीं, एक छोटे क्लास 4 स्टाफ को भी अगर बुलाया जाए, वो भी अगर चाहे कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इनके पास हम नहीं जाएंगे, तो वो जा सकते हैं। तो ये उनकी अधिकार है, देश की, देश के अधिकार, कानून में ये अधिकार है कि आप क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें लगता है कि हाव हल्ला नहीं करना चाहिए, और किसी को भी इसका विरोध करने की जरूरत नहीं है, ना हम लोग भी ये डिस्कस में नहीं आते। अगर ये अलग अलग बयान देके इसको डिस्कस पर ले आए, हमें लगता है ये जल्द से जल्द ये समाप्ति हो जाएगी। हम भी चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी समाप्ति हो जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, तो मामला कौन दोषी है और कौन, जो आरोप आप लोग लगा रहे हैं या कांग्रेस लगा रही है, जेएमएम लगा रही है, इन आरोपों में कितना दम है, वो भी सबके सामने, जनता के सामने आ जाएगा जितनी जल्दी इस मामले का फैसला हो जाएगा। लेकिन अमित जी, अब जिस तरह से बात दरअसल ये आ रही है कि देखिए, उधर पूजा सिंघल की भी तबीयत खराब हो गई, वो रिम्स में आ गई, इधर अमित अग्रवाल भी लगातार अपनी जमानत याचिका को लेकर के परेशान हो रहे हैं, 14 तारीख को हालांकि सुनवाई है, पूजा सिंघल के मामले पर भी एक बार हालांकि जमानत याचिका उनकी खारिज हो गई, 2 जनवरी को अब सुनवाई है, ये सब चल क्या रहा है पूरे झारखंड में? झारखंड की जनता तो बड़ी विस्मित होगी मुझे लग रहा है इस समय, कि सरकार पर जो लोग बैठे हैं वो सरकार काम जनता के लिए काम करे, या फिर ऐसे सारे केसों में पछड़े में फंसी रहे, उसी को देखते रहे, निपटाती रहे। देखिए पांडे जी, एक तो पहले मैं वो करेक्शन कर दूं कि आप कह रहे थे कि ये जो डीएसपी को बुलाया गया था, पहले ये डीएसपी आए थे, वो दूसरे डीएसपी थे, वो दुबे जी थे, तो राजेंद्र दुबे थे जिनको बुलाया गया था, जिन्होंने अपनी संलिप्तता, जैसा कि मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि उन्होंने स्वीकार किया, ये प्रमोद मिश्रा जी दूसरे डीएसपी। और जहां तक ये बात है, आपने जो सवाल पूछा है, ये निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं, ये सर्कस चल रहा है, कभी कोई अस्पताल चला जा रहा है, अस्पताल से उद्वार जा रहा है, उद्वार से अस्पताल जा रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है। देखिए, एक विशाल चौधरी है, विशाल चौधरी को जब ईडी ने थाईलैंड जाने से रोका और दिल्ली के एयरपोर्ट से रोक कर डिटेन करके उनको एक नोटिस दिया गया कि आप साहब 28 तारीख को आइएगा, ये विशाल चौधरी गायब हो गया, ये किसके कहने से गायब हो गया, ये कहाँ गायब हो गया? ईडी हालांकि उसकी जांच निश्चित तौर पर कर रही होगी, लेकिन हमें ये पूरी जो साजिश लग रही है, ये राज्य के किसी बड़े व्यक्ति इसमें शामिल है, जो सरकार का रहनुमा है,
जो सरकार चलाने वाले जैसे लोग हैं और दलाल किस्म के लोग जो संरक्षण दे रहे हैं ऐसे लोगों को, तो हमें ये लग रहा है जो सरकार और ईडी के बीच में जो खाइयां बनी हुई है, जो दूरियां बन रही है ऐसे लोगों की वजह से, हमें ये लग रहा है कि इन चीजों पे मुख्यमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को आना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को सारे अपने बड़े अधिकारियों को ये कहना चाहिए। अब ये लगाइए कि डीजीपी कहते हैं कि आप जाइए जांच पूछताछ में सहयोग कीजिए और वो अधिकारी पूछताछ में सहयोग नहीं करता है, कोई इसके पीछे यानी कि कोई खेल है, कोई साजिश है, और वो साजिश में कौन है ये राज्य की जनता जानना चाहती है। आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी को सामने आना चाहिए, मुख्यमंत्री जी सामने आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम पूरी तैयारी के साथ हैं, हम पूरी तरीके से लड़ने के लिए तैयार हैं, हम हर मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार हैं, वो तो कह रहे हैं हम रेडी हैं किसी भी स्थिति, कोई भी सारी समस्याओं का सामना करेंगे। पांडे जी, सरकार डायलॉग से नहीं चलती है, सरकार अपनी नीति और नियत से चलती है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के सभा में कहने से बातें नहीं होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी पहले दिन से 5 मई को जब पूजा सिंघल जी के घर पे रेड होता है, शाम को मीडिया से जिस तरीके से वो बात करते हैं और जिस तरीके से जांच एजेंसियों के खिलाफ वो आग उगलते हैं, हमें फर्स्ट डे से ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी की इसमें संलिप्तता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को पहले दिन ये कहना चाहिए था, चाहे कोई अधिकारी हो अगर वो दोषी है तो जो एजेंसियां जांच कर रही है उनके खिलाफ कार्रवाई करे, हम उसमें सहयोग करेंगे, राज्य सरकार उसमें सहयोग करेगी। लेकिन राज्य सरकार ने आज तक एक बार भी एजेंसियों के सपोर्ट में कोई बात नहीं कहा। वो बार बार या तो कांग्रेस या जेएमएम को लोग क्या कहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की एक सहयोगी के तौर पे काम कर रहे हैं। साहब, कोई किसी के सहयोगी के तौर पे काम नहीं करता है, सरकार आती जाती रहती है, अधिकारी वही रहते हैं, ये अधिकारियों को भी जानना चाहिए। तो जो अच्छे अधिकारी होते हैं वो इस बात को जानते। आपने देखा होगा कि झारखंड के मुख्य सचिव हेमंत सोरेन जी का भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी से हैं, मधु कोड़ा जी के भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, शिबू सोरेन जी के भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे और अभी वर्तमान में चीफ सेक्रेटरी है, लेकिन वो अपने कर्तव्यों के आधार पे अपने पद से बने हुए हैं, वो किसी के बाकी जैसे अधिकारियों के जो कारनामे आ रहे हैं उस कारनामों के साथ नहीं है। तो उनसे बाकी लोगों को ये लेसन लेना चाहिए पांडे जी, ऐसे भी अधिकारी राज्य में होते हैं और कुछ ऐसे भी अधिकारी होते हैं जो पूजा सिंघल जैसे अधिकारी से कभी रिम्स आ रही है, कभी रिम्स से कोटवार जा रही है, ये चल क्या रहा है। पूजा सिंघल को लेकर के भी तो आपको कटघरे में खड़े कर देते हैं ये लोग, बताते हैं कि वो तो आप ही की देन है, आप ही की जन्मदात्री है। अब उनके सीने में दर्द होता है, भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, अब वहां से एजेंसी उनको हथवार भेज देती है, डॉक्टर कहते नहीं जी ये ठीक है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या दोष है। ये तो सोचने और समझने की बात है, लेकिन हमें ये लग रहा है कि पांडे जी जिस तरीके से एजेंसी काम कर रही है, निरंतर दबाव बनाए हुए है राज्य में, निश्चित तौर पे दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है और जो भी जैसे जैसे पूछताछ का दायरा बढ़ता जा रहा है ये खेल और भी बड़ा होता जा रहा है। ठीक है मुखर्जी जी, एक कुछ दिन पहले एक PIL दायर की गई थी शिवशंकर की तरफ से जिसमें सरकार को राहत मिली थी यार, खनन पट्टा को लेकर के वो था मामला मुख्यमंत्री को लेकर के ही, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का जिक्र किया था कि ये पूरा मामला दरअसल राजनीतिक लग रहा है, और हालांकि ईडी की कार्रवाई को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपना कोई बयान नहीं दिया था, उसमें ईडी की जांच को लेकर के या उसकी कार्रवाई को लेकर के कोई बात नहीं कही गई थी, यानी ईडी अपनी कार्रवाई को करेगी साफ तौर पर। क्या उस फैसले जो PIL दायर की गई थी, जनहित याचिका दायर की गई थी, उस फैसले को जब सरकार के पक्ष में आया उसके बाद सरकार का बल थोड़ा से और बढ़ता नजर आ रहा है, क्या इस वजह से अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है कि अब ईडी के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट? देखिए, राज्य में जहां जहां बीजेपी छोड़ के सरकार चल रही है उनका भरोसा किन पर है? एक ही है, न्यायालय पर, और बाकी तो चला रहे हैं, बाकी तो भेजते हैं घर कि जाओ उसका घर पे छापा पड़ो, लेकिन हमारे जगह कहाँ है? हम तो एक ही जगह जाते हैं, न्यायालय, और उस न्यायालय हमें न्याय मिल रही है तो निश्चित तौर पर न्यायालय की ओर जाना चाहिए, क्योंकि न्यायालय ही भरोसा है। अभी ये 8 साल 8.5 साल की जो सरकार चल रही है इसका अटैकिंग पोज में न्यायालय पर जाना ही जरूरी है। हर जनता को न्यायालय की ओर रुख करनी चाहिए क्योंकि हर जगह न्यायालय की जरूरत पड़ रही है। जी चलिए ठीक है, न्यायालय की, लेकिन क्या लगता है कि न्यायालय के दखलंदाजी के बाद राहत मिलेगी सरकार को, जो ईडी की कार्यवाही चल रही है? क्या पिछली बार मिले, पिछले बार देखें कि PIL किनके थ्रू कराए थे, उसकी कुर्सी रामा खोज लीजिए, जिन्होंने PIL किए थे वो कौन है,
वो कुर्सीनामा नीचे तक चले जाइए, पता चल जाएगा कौन करवाते, कैसे करवाते, कैसे ट्वीट होते हैं, ठीक है, इस तरह से होते हैं, होने दीजिए, होने से कोई बात नहीं, न्यायालय पर भरोसा रखे और दो साल हमें संभलना है, दो साल तक रहना है, न्यायालय उसका जवाब देगी। जी ठीक है, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, यहाँ पर दरअसल पूजा सिंघल का भी हमने जिक्र किया और अमित अग्रवाल का भी जिक्र किया, क्या वास्तव में अमित अग्रवाल पर भी जो कार्रवाई की गई, क्या आपको ये लगता है क्या गलत है? आप पूजा सिंघल को लेकर के तो बीजेपी के पाले में गेंद को फेंक देते हैं, लेकिन अमित अग्रवाल को लेकर के क्या कहेंगे? ना ना, देखिए देखिए, ये लोग पूजा सिंघल तो छोड़ दीजिए, वो तो पीछे पिछली सरकार की 16 की वो देन है, वो 14 की देन है, 14 के बाद से इधर से जो आए, अर्जुन मुंडा की सरकार में जांच आई थी, अर्जुन मुंडा ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अभी केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने जांच के कटघरे में उनको लाए थे और उसे हाईकोर्ट तक पहुंचाए थे, लेकिन हमारे ये जो रघुवर जी आने के बाद उसे तुरंत हटा दिए गए, उसको क्लीन चिट दे के अपने बगल में बैठा लिए, ये है तो कहें, लेकिन दूसरी जांच किसकी जांच के बात कर रहे थे? और एक अमित अग्रवाल जी, देखिए अमित अग्रवाल हो चाहे और जितने आप अग्रवाल घूम रहे देख रहे हैं, ये सब बिजनेसमैन हैं, ये जिनकी सरकार रहती है उनकी साथ ही सटते हैं, ऐसा नहीं कि अमित अग्रवाल सिर्फ इसी में थे, आप पीछे चले जाएंगे तो और कुछ मिलेंगे, जैसे देखिएगा जिनके घर से बंदूक निकले वो कौन है? वो उस टाइम भी सीएम आवास में रहते थे, अभी भी सीएम आवास में रहते थे, तो इससे ही सब बिजनेस के साथ सटे, पूंजी के साथ रहते हैं, पूंजी जहां है ये वहां रहेंगे, तो जिनकी भी सरकार रहेंगे उनको ये बदनाम करेंगे। नहीं तो अमित अग्रवाल हो चाहे बच्चू यादव हो, आपने तमाम सारे कहा कि और बहुत सारे नाम हैं, अगर इन पर ईडी कार्रवाई कर रही है, इनकी कमर तोड़ रही है, नेस्तनाबूद कर रही है, आप कह रहे हैं कि पिछली सरकारों में भी इनको सह मिलता रहा, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं सह मिलता, मैं इस बात को आपको नकार नहीं सकता हूं, ये सच है, एकदम इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, हमारे झारखंड की धरती को खोद के विदेशों तक बेचे हैं, तो सरकार तो सरकार सरकार क्यों नहीं स्टैंड अपना क्लियर कर रही है कि भाई ये अगर अपराधी हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं, तो इन पर कार्रवाई की जाए, सरकार कुछ तो रुख स्पष्ट करे, कुछ सरकार तो बिल्कुल शांत है, वो कह रही है कि हम लड़ने के लिए तैयार है, बस नहीं नहीं लड़ने के लिए तैयार है तो अब उसके चलते लड़ने के लिए थोड़ी तैयार है, सरकार लड़ गई, निश्चित तौर पर लड़ेगी, गलत जो करेंगे उसके, लेकिन जो सही है उसको ईडी खोजे, वो कहां भाग गए, कहां गए, ईडी खोज के उसको लाए, उसको सलाखों के पीछे रखे, कौन बोल रहा है सलाखों के पीछे, बहुत कोई है और भी रहेंगे, लेकिन हमारे झारखंड के जल जंगल जमीन की बात करके जो ये सरकार आई है, लेकिन जल जंगल जमीन को अगर नहीं बचा सके, हमें लगता है कि 2024 में फिर जनता सोचेगी कि करना क्या है, लेकिन इसमें बीजेपी को खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब दोनों तरफ नहीं रहेंगे, अब तीसरे मोर्चे की कोशिश में लगे हुए हैं राज्य की जनता, हमें लगता है कि सोचने की जरूरत है, अगर गलतियां सरकार कर रही है तो निश्चित तौर पर इसे गलत है, तो उसे गलती बोलने की जरूरत है चाहे कोई रहे। जी चलिए, ये तो खैर देखने वाली बात होगी, आपने एक नई बात कही है जो तीसरे दल के काफी समय से प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी सकारात्मक कदम उठता नजर नहीं आया है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से अब झारखंड को लेकर के कहा जा रहा है कि दरअसल झारखंड सरकार अब ईडी की कार्यवाही के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट का रोक करेगी, लेकिन अब इससे साफ यही नजर आ रहा है कि झारखंड में ईडी और सोरेन सरकार आमने सामने नजर आ रही है। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस, नमस्कार।